हेलो गाइस, एसपीआर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं शीशपाल सिंह। आज मैं बात करूंगा यूपी बोर्ड की जो इंग्लिश है, यूपी बोर्ड की इंग्लिश टेंथ क्लास के विषय में बात करूंगा और उसमें सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा सिलेबस के ऊपर। पिछली साल जो लास्ट ईयर सिलेबस नहीं था, यानी कि जो चैप्टर ऐड नहीं थे, कोरोना की वजह से हटा दिए गए थे, इस बार वो ऐड कर लिए गए हैं और इस बार सिलेबस में ज़्यादा चैप्टर्स हैं, ज़्यादा पोएम्स हैं। तो कोई भी बच्चा पुरानी बुक से अध्ययन ना करे, और अगर आप पुरानी बुक से अध्ययन करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप अपनी न्यू बुक्स खरीदें और न्यू बुक्स का अध्ययन करें। और चलो मैं सिलेबस बता देता हूँ, लेटेस्ट सिलेबस क्या दिया है इस बार माध्यमिक ने। देखो भाई, सिलेबस ये है आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड फॉर 2024 एग्जामिनेशन। लेटेस्ट सिलेबस है इंग्लिश कक्षा 10, ठीक है। ये लिखा, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स, सेक्शन ए रीडिंग 10 मार्क्स। सेक्शन ए में क्या कहा आएगा देख लो, वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलो बाई देयर थ्री MCQs, यानी कि जो पहला शॉर्ट अनसीन पैसेज होगा उसमें से आपको तीन प्रश्न मिलेंगे MCQs के। नेक्स्ट है वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाई थ्री वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड वन वैकॉबलरी बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह से आपका हो जाता है ये, थ्री मल्टीप्लाई वन इजगल टू थ्री, थ्री मल्टीप्लाई टू इजगल टू सिक्स, यानी कि सिक्स ये और थ्री ये, सिक्स और थ्री नाइन मार्क्स ही हो गए। और एक नंबर का आपका आएगा वैकॉबलरी का, ठीक है, ये 10 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी है राइटिंग स्किल, राइटिंग मतलब जो लिखित करने के लिए आएगा, जो काम लिखित में होगा 10 मार्क्स। ये तो आपको रीडिंग है, रीडिंग करने के बाद आंसर देने और इसमें आपको रिटर्न करना है, ये भी 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स में देखो क्या क्या है आपके, ये लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल और एप्लीकेशन। लेटर हो सकता है, लेटर में आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद है आपका एप्लीकेशन, ये आएगी आपकी 4 नंबर की, यानी कि लेटर और एप्लीकेशन इनमें से दोनों में से एक पूछा जाएगा जो 4 नंबर का होगा। दोनों आ सकते हैं और आप आंसर एक का देंगे। उसके बाद है डेस्क्रिप्टिव, पैराग्राफ और रिपोर्ट और आर्टिकल, यानी कि डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो और आपका रिपोर्ट हो और आर्टिकल्स हो, ये आपका आएगा 6 मार्क्स का। वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर वन फिगरेटिव इनपुट्स अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ये 6 मार्क्स का आएगा। यानी कि या तो फिगर के लिए आ सकता है या फिर आपका जो है पूछा जा सकता है आपको वर्बल, ठीक है। ये रिपोर्ट हुआ, पैराग्राफ हुआ और आर्टिकल्स है, ये तीन हैं, इसमें तीनों में से एक आएगा वो 6 मार्क्स का होगा। इस तरह से 4 ये और 6 ये हो जाते हैं आपके 10 मार्क्स। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन सी ग्रामर, ग्रामर आएगी आपके 15 मार्क्स की। MCQs 5 MCQs आएंगे बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं आपके जो नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब कंजक्शन इंटरजेक्शन इस तरह से, और ये आपका लेटर टेंसेज हैं, टेंसेज जो आपके 3 होते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, फिर ये आर्टिकल्स हैं, फिर ये रिवर्डिंग है, उसके बाद रिवर्डिंग ऑफ द सेंटेंसेज और स्पेलिंग से। ये देखो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच 1, सेंटेंस 2, आर्टिकल 3 और रिवर्डिंग 4 और स्पेलिंग्स 5, यानी कि 5 टॉपिक्स हैं और इन 5 टॉपिक्स में से 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एक नंबर का होगा, तो ये आपके इस तरह से 5 नंबर के बन जाते हैं। फिर आपका 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट यानी कि इसमें से 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बेस्ड ऑन द नरेशन, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वाइज और पंचुएशन, ये आपके 3 टॉपिक हैं और दो दो नंबर के आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे और तीनों प्रश्न आपके दो दो नंबर के होंगे, ये 6 नंबर के हैं। यानी कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं बढ़िया करके दो नंबर के लिए, और पैसिव वाइज दो नंबर के लिए सीखनी है, और उसके बाद आपको पंचुएशन सीखना है। पंचुएशन अक्सर बच्चा छोड़ देते हैं जबकि सबसे आसान टॉपिक इसमें यही है। उसके बाद है आपका ट्रांसलेशन फॉर ए शॉर्ट पैसेज, ट्रांसलेशन फॉर ए शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए एक छोटा सा पैसेज आएगा जो 4 सेंटेंसेज होंगे और ये 4 ही नंबर के होंगे, यानी कि 4 सेंटेंस 4 मार्क्स। इस तरह से ये हो जाते हैं आपके 15 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स आपके रीडिंग के हो गए और राइटिंग के हो गए 10 मार्क्स,
और 15 मार्क्स हो गए आपके ग्रामर के, ये टोटल इस तरह से हो जाते हैं 35 मार्क्स। ठीक है, अब आता है 35 के बाद लिटरेचर, लिटरेचर भी 35 मार्क्स की है। अब 35 मार्क्स में लिटरेचर में क्या कहता है, देखो ये फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक्स आपकी पहली टेक्स्ट बुक्स है, इसमें ये 15 नंबर का आएगा। पहले प्रोज, प्रोज में है 2 MCQs बेस्ड MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि उन्होंने जो है 2 क्वेश्चन देंगे, उसमें एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो 2 नंबर के होंगे। 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स, और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे लेसन से संबंधित। लेसन का मतलब क्या है, जैसे उन्होंने पहला चैप्टर दिया, पहले चैप्टर में उन्होंने राइटर का नाम पूछ लिया, किसी करेक्टर को दे दिया कि ये करेक्टर किस में था, इस तरह से पूछे जाएंगे। 2 short answer type question इन अबाउट 30 or 40 words ईच बिन, ये कह रहा है 2 short answer type question इन अबाउट, यानी कि 2 short answer पूछेंगे जो 30 से 40 word के होंगे, और आपको जो है तीन नंबर का होगा, हाँ 3 और 3 6 6 नंबर के हो जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर आता है आपका 1 long answer type question इन अबाउट 60 word, ये आता है आपका 4 marks का, 60 word का लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है और 4 marks का आएगा। इस तरह से आपके 2 और 3 5 5 और 6 ये हो गए और 4 ये हो गए। फिर आता है आपका पोएट्री में, पोएट्री आपकी आएगी 8 marks के ऊपर, ये 15 हो जाएंगे, फिर 8 marks पे चलो, पोएट्री 8 marks की आएगी। 8 नंबर में उसमें क्या है, देखो 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट मीन 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको MCQs जो आपके एक्सट्रैक्ट से होंगे, यानी कि जो उन्होंने पैराग्राफ दिया होगा किसी भी पोएम का, उससे आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। 1 short answer type question बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30 या 40 word, यानी कि 1 short answer पूछेंगे, वो 30 से 40 शब्द लिखने हैं, ये आपका 3 नंबर का होगा। 4 line फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, सिलेबस में जितनी भी पोएम्स हैं उनमें से किसी भी एक पोएम का आपको जो है 4 लाइनें लिखनी है, या तो आप ये ऊपर का क्वेश्चन कर दो ये, या फिर ये 4 लाइनें लिख दो, इन दोनों में से आपको एक करना होता है, तो ये आपका 3 marks का हो जाता है। अब आता है आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ये आएगा 3 marks का, 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा, और 3 ही नंबर की आपकी लाइन, 4 लाइन लिखने को लिए आएंगी। पहले क्या होता था, 4 लाइनें दे देते थे सेंट्रल आइडिया, या इनमें से एक करना होता था, अब इस बार आपको सेंट्रल आइडिया भी करना है और 4 लाइनें भी लिखनी है, ये दोनों वर्क करने हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फुट प्रिंट्स विदाउट फीट में क्या है, 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड लेसन्स, जितने भी लेसन दिए हैं उन लेसन से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, जो 5 ही नंबर के होंगे, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 1 short answer type question इन अबाउट 30-40 words, यानी कि 30 से 40 शब्द का 1 short answer आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो 3 नंबर का होगा। 1 long answer type questions अबाउट 60 word, 1 long answer होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो आपका 4 नंबर का होगा। इस तरह से ये हो जाते हैं आपके 12 नंबर, 12 नंबर में आ रहे हैं आपके फुट प्राउंड विद फीट से, पोएट्री से आ रहे हैं आपके 8 नंबर, और जी प्रोज यानी कि फर्स्ट फ्लाइट से आ रहे हैं आपके 15 नंबर। ठीक है, इस तरह से ये आपके कंप्लीट हो जाता है, 15 ये हो गए, 15 और 8, 8 5 13 23, 23 और 12 ये हो गए, 23 12 35, 35 नंबर पूरे हो गए। 35 के बाद अब आता है आपका कौन कौन से चैप्टर इस बार हैं, देखो प्रोज फर्स्ट फ्लाइट में, देखो प्रोज में ए लेटर टू गॉड, दूसरा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फिर आपका 4th chapter है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक हिज फर्स्ट फ्लाइट, टू स्टोरीज में जो है 2 स्टोरी हैं, एक तो है द फर्स्ट फ्लाइट की और एक है ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है ब्लैक एरोप्लेन। फिर है 4th chapter है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, नेक्स्ट है आपका फोर चैप्टर है आपका, ये हो गया। फिर 5 है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया ए बेकर फ्रॉम गोवा, फिर इसमें 3 छोटी छोटी स्टोरी हैं, एक कुर्ग है और ये है टी फॉर असम। उसके बाद आता है 6th chapter का नाम है मेजविल द ऑटर, ठीक है। 6 के बाद 7 है मैडम राइड द बस, 8 है द सिमन एट बनारस, और 9 है द प्रपोजल, ठीक। ये चैप्टर हैं आपके जो इस बार हैं, इन पिछली बुक उठा के देख लेना आप, आपको ये चैप्टर नहीं मिलेंगे। फिर आता है आपका पोएट्री, पोएट्री में देखो आपकी इस बार जो हैं 10 पोएम्स हैं,
फर्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो, फिर फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बाल पोयम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और फोर एनी जियोग्री, एनी जियोग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका फुट प्लांट विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री रीडर में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, फिर है ए क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट, पांचवा है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, फिर है द नेकलेस, भोली, और लास्ट है द बुक दैट सेव द अर्थ। इस तरह से आपके ये पूरे चैप्टर्स इसमें कंप्लीट हो जाते हैं, प्रोज में, पोएट्री में, और आपकी सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया, पूरा सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, देखें आप, ज़रूर अध्ययन करें इसका और तभी अपनी तैयारी करें बोर्ड की। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।